आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। दास्तान को दास्तान सुना रहा है। दास्तान में सीन है कि दूल्हा दुल्हन की सेज की तरफ बढ़ रहा है। अब दास्तान गो ने बयान करना शुरू करी दुल्हन की खूबसूरती, उसके नाम, उसके कान, उसके होंठ, उसकी उंगलियां, उसकी आंखें, उसके पलके, उसके गर्दन, उसके बाल। जनाब, दो दिन हो गए दास्तान गो सिर्फ दुल्हन की खूबसूरती बयान कर रहा था। तो आप ही जैसे लोगों में से आवाज आई, भाई दो दिन हो गए, सब घूंघट तो उठा दे। तो हाजिर ये भूता होता था उन दास्तान गोयों का, वो दास्तान रोकते थे, मगर आप घबराइए नहीं, आज हम दास्तान नहीं रोकेंगे। पासवानी अदब दरअसल गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। कैसर साहब की कोशिशें हैं और आज हमें खुशी है कि हम इस कोशिश में उनके साथ शामिल हैं। आज हम आपके सामने दास्तानी महाभारत पेश करने जा रहे हैं फिर उर्दू में। इसमें हमने रामधारी सिंह दिनकर को भी शामिल किया है और ये पहली बार है कि दास्तानी महाभारत उर्दू में पेश की जा रही है। तो हाजिर, दास्तान गोई की ये रिवायत है कि अगर दास्तान गोई में आपको कोई चीज अच्छी लगे, आपको कोई चीज पसंद आए, तो आप कहेंगे वाह, एक जमाना था कहा जाता था कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई, लेकिन आज जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज्जत उतर जाती। तो आप वाहवाह भी कर सकते हैं, आप तालियां भी बजा सकते हैं, जितनी दिल खोल के आप दाद देंगे उतनी ही दिल खोल के हम आपको दास्तान सुनाएंगे। तो हाजिरीन इजाजत है, तो हाजिरीन पेश है दास्तान महाभारत। तो उतनी ही नई बात है जितनी है पुरानी, एक रंग है आग इसका और एक रुक्न है पानी, टाइम है असर इसका सारे दुनिया फानी, नादान है जो समझे हैं इसे एक कहानी, रुदाद जहां भी है ये रुदाद अदम भी, किरदार इसी के है सभी आप भी हम भी, हर समत उफनता हुआ एक दरिया लश्कर।